नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने ऑक्सीजन संकेंद्रक के बारे में जानकारी साझा किया है। इसका उपयोग और आवश्यकता के बारे में बताया है। कोरोना दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी बहुत देखी जा रही है। तमाम स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं ने जगह जगह पर इस यंत्र को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है और कितना लाभदायक है कोरोना मरीजों के लिए। कोरोना की दूसरी लहर में वो सब देखने को मिल रहा है जो शायद ही कभी पहले देखने को मिला हो। रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमण की वजह से मर रहे हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में बेड तक खाली नहीं है कि मरीजों को भर्ती किया जा सके, और ना ही मरीजों को ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है। लोग अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि इस बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जिक्र भी खूब हो रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आखिर होता क्या है, यह कैसे काम करता है और कोरोना मरीजों के लिए यह कितना फायदेमंद हो सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है और यह कैसे काम करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस होता है जो हवा में से ऑक्सीजन को अलग करता है। दरअसल हमारे वातावरण में मौजूद हवा में कई तरह के गैस मौजूद होते हैं, और यह कंसंट्रेटर उसी हवा को अपने अंदर लेता है और उसमें से दूसरी गैसों को अलग करके शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंसंट्रेटर को इसलिए बनाया गया था ताकि इसकी मदद से अस्पतालों में भर्ती मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। ये हफ्ते में सातों दिन, 24 घंटे और 5 साल या उससे अधिक समय के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन लगातार कर सकते हैं। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से क्या है फायदा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में हैं, तो जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक मिनट में 5 से 10 लीटर तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। सबसे खास बात है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसे बार बार रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बिजली नहीं होने पर इसे इन्वर्टर की मदद से भी चलाया जा सकता है। क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नुकसान भी हैं? अगर कोई कोरोना का गंभीर मरीज है तो उसके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसे प्रति मिनट लगभग 40 से 50 लीटर तक ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बस की बात नहीं है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि कंसंट्रेटर की ऑक्सीजन सप्लाई की शुद्धता कम होती है। यह 90 से 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जबकि ICU में दी जाने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता 98% तक होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत क्या होती है? एक अच्छा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको 30,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक में मिल सकता है। ये आपको किसी मेडिकल उपकरण बेचने वाली दुकान पर मिल सकता है, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हालांकि सबसे जरूरी बात है कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी, गृहिणी एवं समाज सेवी, ने आंवले के फायदे के बारे में जानकारी साझा किया है। आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। आंवला में विटामिन सी से लेकर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मौजूद होता है। डायबिटीज से लेकर पाचन तंत्र और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आंवला बेहद फायदेमंद है। आंवले में कैल्शियम से लेकर पोटेशियम और आयरन तक कई खनिज पदार्थ और विटामिन मौजूद होते हैं। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपको आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला आपके शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। आइए जानते हैं आंवले के कुछ बड़े फायदे। अगर आपको डायबिटीज है तो आंवला आपके लिए रामबाण है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज के साथ ही आंवला आपके दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंवले में क्रोमियम बीटा होता है और जो कि दिल के लिए स्वस्थ रखता है।
आंवला और के कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। आंवला आपके दिल के साथ ही हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और ये अर्थराइटिस के जोखिम को भी कम कर सकता है। आंवला पाचन तंत्र के साथ ही आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। आंवले का रस पीने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंवले में अमीनो एसिड भी होता है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में मदद करता है, इसलिए वजन घटाने में भी आंवला सहायक होता है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से आंवला त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं और जो कि चेहरे के कील मुहासे को हटाते हैं। आंवले में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। कई शोधों में दावा किया गया है कि आंवला कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। इसके अलावा आंवला अल्सर की बीमारी में भी फायदेमंद होता है। अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आंवला जरूर खाएं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।